भाजपा का ओबीसी प्रेम सिर्फ पॉलिटिकल नौटंकी है। राज्य में जब भाजपा सेना युति की सत्ता आई, तब मुख्यमंत्री पद के लिए ओबीसी नेता एकनाथ खड़से को दरकिनार कर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। कामठी में बावन कुले की टिकट काटी गई, पंकजा मुंडे को पार्टी साइड लाइन किया गया। ये सवाल उपस्थित कर राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन कुले से जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने अब तक 3 बार ओबीसी नेता को प्रदेश अध्यक्ष पद दिया है, 2 बार उपमुख्यमंत्री पद दिया है। भाजपा ने शिंदे गुट के साथ सरकार बनाते समय भी उपमुख्यमंत्री पद ओबीसी नेता को नहीं दिया। कुंटे ने कहा कि आज राष्ट्रवादी के विदर्भ में 90% जिला अध्यक्ष ओबीसी समाज के हैं। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए आह्वान किया कि वे बताएं कि भाजपा ने कितने संगठन मंत्री ओबीसी दिए हैं। आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में पराजय दिखाई देने से भाजपा ने अपनी पार्टी में ओबीसी नेताओं का आयात शुरू किया है। उनका ओबीसी प्रेम यानी पॉलिटिकल नौटंकी है। उन्होंने बताया कि राकंपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का 29 जून को नागपुर में सत्कार किया जाएगा। पत्र परिषद में पूर्व विधायक दीनानाथ पडोले, अनिल अहिरकर, चंद्रपुर शहर अध्यक्ष राजीव कक्कड़, श्रीकांत शिवनकर, जावेद हबीब, महेंद्र भांगे, श्रीकांत आंबुलकर, नितिन भटारकर आदि उपस्थित थे। मुख्य कारण असं आहे की मागील 1.5-2 महिन्यापासून भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस सातत्याने त्यांच्या दुष्प्रचाराला उत्तर देण्याकरता ही आजची पत्रकार परिषद आहे। भारतीय जनता पार्टीचा गेल्या अनेक वर्षाचा जर आपण इतिहास तपासला अगदी मी थेट मंडल कमिशनच्या घोषणेपासून सुरुवात करतो, ज्या वेळेला देशाचे तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंग बीपी सिंग यांनी ज्या वेळेला मंडल कमिशनची घोषणा केली त्यावेळेला भारतीय जनता पार्टीने त्या सरकारचा पाठिंबा काढला आणि सरकार पाडलं आणि उभ्या देशामध्ये मंडल कमिशनच्या विरोधामध्ये आंदोलन उभं करून देश पेटविण्याचं काम केलं। हे जाणूनबुजून या ठिकाणी सांगतोय की चंद्रशेखरजी बावनकुळे, तुम्ही तुमच्या देशाचा तुमच्या पार्टीचा इतिहास विसरला असाल, पण ही देशाची जनता महाराष्ट्राची जनता तो इतिहास अजूनही विसरायला तयार नाही, हे बावनकुळे लक्षात घेतलं पाहिजे। कुंडे पाटिल ने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी को बड़े पैमाने पर बहुमत मिलने का खुलासा सर्वेक्षणों से हुआ है, जिसके कारण मत विभाजन के लिए पिछले बार जैसे एमआईएम को हैदराबाद से यहां लाया गया था, वैसा ही बीआरएस को इस बार लाया जा रहा है। किसान आंदोलन में असफल नेताओं को पकड़कर बीआरएस महाराष्ट्र में पैर जमाने की सोच रही है, लेकिन किसान उनके बहकावे में नहीं आएगा। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम या ठिकाणी काम करते, ज्याप्रमाणे मागच्या लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेला हैदराबादवरनं एमआयएम आली होती कोर्टमध्ये डिव्हिजन करण्याकरता, मतांमध्ये विभाजन करण्याकरता, नेमकं अगदी त्याच धर्तीवर आता हैदराबादवरनंच केसीआरचं ची टीम महाराष्ट्रामध्ये फिरते। काल परवा पांडुरंगाचं दर्शन करण्याकरता 600 गाड्या घेऊन निघालेत। पांडुरंगाचं दर्शन करण्याकरता एक पैशाचं प्रदर्शन, गाड्याचं प्रदर्शन करण्याची काय गरज होती, कदाचित याचं उत्तर त्यांच्याचकडे असेल, पण महाराष्ट्राची सुजाण जनता, महाराष्ट्राचा शेतकरी, महाराष्ट्राचा कष्टकरी समाज हा अबकी बार किसान सरकार या घोषणेला पळी पडणार नाही। बीआरएसचा अबकी बार किसान सरकार ही घोषणा, अबकी बार मोदी सरकार याच प्रकारची घोषणा आहे। त्याचमुळं भारतीय जनता पार्टीची बी टीम आहे हे पॉलिटिकली हे सिद्ध होत आहे। महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्याला, प्रत्येक कष्टकरी जनतेला आता कळायला लागलंय की महाविकास आघाडीला सत्तेपासून वंचित करण्याकरता भारतीय जनता पार्टीने खेळलेले राजकीय खेळी आहे। अब जिस तरह बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में तेजी से पांव पसार रही है, उसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा की बी टीम बीआरएस पार्टी है। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये तो देखने की बात होगी। NBC News के लिए राजकुमार मोड़ के साथ श्रीजा देशमुख की रिपोर्ट।